स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल न्यू रिलैक्सेशन रेसिपी बाय सुरेश। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेलगिरी और केले का शेक शरबत। कई लोग कहते हैं कि हमें NDS करने के बाद अब स्वस्थ हो गए हैं और हमें वेट गेन करना है, तो ये उनके लिए है जो वेट गेन करना चाहते हैं और NDS से पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। उसके लिए मैंने ये एक बेलगिरी ली है, दो केले लिए हैं, किसा हुआ नारियल, शक्कर और ये इलायची पाउडर और पानी। सबसे पहले मैं इसको तोड़ लूंगी और इसे पानी में भिगो दूंगी। इसे एक घंटे के लिए मैं पानी में भिगो दूंगी जिससे इसका सारा पल्प निकल जाएगा। इसे किसी भारी चीज से तोड़ लेंगे। इसका बहुत हार्ड होता है, इसे किसी भारी चीज से तोड़ना है। इसका छिलका अलग निकाल लेंगे और इसके पल्प को इस कटोरे में डाल लेंगे। बेल का शरबत पेट में हो रही जलन को कम करता है। गर्मियों में तो बेल का शरबत बहुत ही फायदेमंद होता है। इसे पीने से लू नहीं लगती। अगर लू लग जाए किसी को तो इसे पी लें तो उसमें बहुत आराम मिलता है। अगर हम इसमें केला डालकर इसका शेक बनाएंगे तो हमारा वेट गेन जल्दी हो जाएगा। ऐसे ही हम चम्मच की सहायता से सारा पल्प निकाल लेंगे। ये बिल्कुल पका हुआ है तो इसमें भीगने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसे हाथों से थोड़ा मसल लेंगे जिससे ये जल्दी भीग जाएगा। इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ। हमें इतना पानी डालना है कि ये पूरा डूब जाए। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए आधा घंटा हो गया है, ये पल्प मिक्स हो गया है। अब इसे छल्ली में से छान लेंगे। इसे अच्छे से छान लेंगे। ये देखिए मैंने एक बार इसे छान लिया है। इसे दोबारा से डाल लेंगे एक डोंगे में और थोड़ा सा पानी और मिला लेंगे जिससे इसका सारा रस निकल आए। मैं इसमें थोड़ा सा पानी और मिला लेते हैं जिससे इसका सारा रस निकल आएगा और कुछ भी वेस्ट नहीं बचेगा। ध्यान रहे हमें इसे मिक्सी में नहीं पीसना है क्योंकि इसके बीज बहुत कसैले होते हैं और शरबत बहुत ही कड़वा बनेगा जिससे और उसका टेस्ट नहीं आएगा और उसे हम पी भी नहीं पाएंगे। इसे भी हम अच्छे से छान लेते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल बीज बच गए हैं, इसमें रस नहीं बचा है। अब इसमें हम थोड़ी सी शक्कर डालेंगे। अगर शक्कर पसंद नहीं करते तो छोड़ भी सकते हैं। अगर किसी को मीठा पसंद है तो हम शक्कर डाल सकते हैं। मैंने 4 चम्मच शक्कर ली है।
मैं हाफ स्पून इलायची पाउडर ले रही हूँ। इलायची पाउडर गैस नहीं बनने देती है, यह भी पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसमें ये मैंने किसा हुआ नारियल लिया है, वो डाल देती हूँ। और ये जो दो मैंने बनाना लिए हैं, इन्हें भी मैं इन्हें छील कर अच्छे से मैश कर लूंगी। छोटे छोटे टुकड़े डाल लेने हैं और इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे। देखिए मैं इसे अच्छे से मैश कर लूंगी। ये देखिए ये बिल्कुल मैश हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे क्योंकि वो गाढ़ा हो गया है। ये देखिए हमारा बेल और बनाना का शेक बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे हम सर्व करते हैं। ये देखिए हमारा वेट गेन शरबत तैयार हो गया है। हमें कोई भी बाहर के प्रोडक्ट खाने की ज़रूरत नहीं है वेट गेन करने के लिए। हम ये पी करके अपना वेट गेन कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।